लोगों के दर्द को भी समझ। औलिया चिश्त में जिस बुजुर्ग ने अपने जमाने में बड़ा उरूज पाया, उनका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। सब बोलिए रहमतुल्लाह है ताला अलैह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ये शहजादे थे और मुरीद हुए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के साथ ही आ गए दिल्ली में। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की भी क्या बात, अताए रसूल हिंदुल वली, और इनके मुरीद थे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। और मुझे अल्लाह जानता है मुझे इश्क की हद तक प्यार है बाबा फरीद साहब से, बड़ा मेरा दर्द उनके साथ। और मैं जितना इस सूफी को पढ़ता हूँ कम ही लोगों को मैंने पढ़ा है। हजरत बाबा फरीद के पीर और ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के खलीफा, क्या नाम है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। मकतब में पढ़ने गए ना पहले दिन, 4 साल की उम्र थी, तो कारी साहब ने अलग बात आसा पढ़ाया तो उन्होंने 15 सुबारे कुरान पाक के सुना दिए। तो कहने लगे बेटा तुझे कैसे आए? कहने लगे मेरी अम्मा 15 सुपारों की हाफज है, वो सारा दिन कुरान पढ़ती रहती थी, मुझे सुन सुन के याद हो गया है। जे बालां नूं गालां याद हो सकदियां ने तो कुरान पाक भी याद, अल्लाह खैर करे। शर्त यह है कि हम घर में कुरान पढ़े, बच्चों को सुन सुन के भी याद हो ही जाता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन इतना उरूज पाया इस शेख कामिल ने कि वक्त का बादशाह भी मुरीद हो गया। सुल्तान शमसुद्दीन अत्तमश मुरीद था, दिल्ली का बादशाह भी मुरीद था, अजमेर का बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का मुरीद नहीं हुआ ना, पाकपतन का बादशाह बाबा फरीद का मुरीद हुआ, लेकिन ख्वाजा कुतुब साहब को अल्लाह ने यह अजमत भी दी। ये शान है ना, अगरचे सदका सारा ख्वाजा मोइनुद्दीन के कदमों का ही था, लेकिन दिल्ली का बादशाह मुरीद हुआ। और इतना आला मुरीद हुआ कि जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का विसाल हुआ तो 3 शर्तें लगाई थी, फरमाया मेरा जनाजा वो पढ़ाए जब से तौबा किया, फिर उसका सीने बद हराम के लिए ना खुला हो, और जब से तौबा किया फिर लुकमा हराम उसके गले से ना गुजरा हो, और जब से तौबा किया फिर कभी नमाज तहज्जुद भी कजा। बड़े बड़े सूफी मेरी तरह के गर्दन झुका के खड़े हो गए। 7वीं साहब से दिल्ली का बादशाह निकल आया, कहने लगा पीरा सारी जिंदगी मैंने पर्दादारी से इबादत की थी, तू जाती दफा मुझे बेनकाब कर गया है। इतना बड़ा उन्होंने शख्स तैयार। और हाल ये था, लोग कहते हैं कि फलाना आदमी अमीर आदमी है तो हजरत साहब का तल्लक पीर साहब का तल्लक ज्यादा है, तो उसकी इमारत ना देख, कभी कभी उसकी परहेजगारी भी देख, उसकी खिदमत गुजारी भी देख। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब पर भी इल्ज़ाम लगते रहे, एक इल्ज़ाम ये भी लगा कि करीब चले गए। हुआ क्या, जब बादशाह मुरीद हुआ तो कहने लगा हजरत जी मैंने बादशाह ही नहीं करनी, मैंने अब खानकाह में रहना है। तो फरमाया बेटा तू छोड़ देगा तो कोई जालिम बैठ जाएगा, तो हुजूर फिर क्या हुक्म है? फरमाने लगे तूने करनी है। तो कहा हुजूर आप वो कहाँ होते हैं, मैं कहाँ होता हूँ, दिल ही नहीं लगता। तो आप फरमाने लगे मैं डेरा उठा के तेरे करीब ले आता हूँ। ख्वाजा साहब 1 किलोमीटर के फासले पर डेरा उठा के ले आए। फरमाने लगे मैं तेरी तरबियत करता रहूंगा, तू मखलूक का भला करते रहना सल्लल्लाहु अलैहि, तू हुजूर की उम्मत का अल्लाह हुआ। वो करीब उस वक्त भी लोगों ने बड़ी बातें की कि देखो जी बादशाह था ना तो पीर साहब भी नेड़े आ गए। लोग देखते नहीं कि असल बात क्या है। खैर वक्त गुजर गया, बादशाह ही मुरीद हो गया, तो फिर दिल्ली सारे में इस्लाम, इतना अदल इंसाफ, हिंदुओं को बात पसंद ना आई, उन्होंने कुछ मुसलमान खरीद लिए। सुल्तान शमसुद्दीन अत्तमश बैठा है दरबार में, जाग रहे हैं ना आप लोग, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि। बड़ी गौर से सुनने वाली बात, एक दिन सुल्तान शमसुद्दीन तमज दरबार में बैठा है, काजी अदालत भी बैठे हैं, मुकदमात सुने जा रहे हैं, बाहर से रोने की आवाज आने लगी, चीखने चिल्लाने की, बीबी बैन कर रही क्या हो गया क्या हो गया। वो टल लगे होते थे बादशाहों के, वो बजने लगे, जोर होने लगा। बादशाह ने कहा इस फरियादी को जल्दी बुलाओ। वो अंदर औरत आई तो चीख चीख के रो रो के उसने अपने कपड़े फाड़ फाड़ के बुरा हाल, 2 महीने का बच्चा, लोग उसकी उसकी आहोजारी पर उसकी तरह मुतव, बीबी क्या हुआ, पानी पिलाओ बिठाओ, ये क्या हो गया। कहने लगी लुट गई, इज्जत बर्बाद हो गई, तबाह कर दी गई। तो मैं क्या हुआ, कहने लगी बादशाह एक शख्स मेरा गैर शरी खामन बना, फिर मुझे हमल हुआ, फिर मेरी गोद में ये बच्चा है 2 महीने का, अब गई हूं तो वो कहता है कि मेरा तो तेरे से तल्लक ही कोई नहीं। बादशाह कहने लगे ये सुल्तान शमसुद्दीन तमश की जगह है, और
मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक हुकूमत उस्तवार की है, कौन है जो तेरे साथ, अभी गर्दन ना काट दूंगा, बात कर कौन है। कहने लगी तू कुछ भी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग कलमे छोड़ के बैठ गए, तवज्जो उधर हो गई। प्रोपेगेंडे बड़ा असर करते हैं मुआशरे पे, रंग ऐसा अजीब है, अंदाज ऐसा अजीब है। फरमाया बात तो कर। उस औरत की आवाज गूंजी तो हालात ही खराब हो गए। कहने लगी बादशाह हौसला पैदा कर सुनने का, कहा तू बात कर। कहने लगी मेरे गोद में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, ये तेरे पीर की नाजायज औलाद है, उठाओ। प्रोफेसर सलीम चिश्ती ने PhD की है, वो लिख रहे हैं इस वाक्य को, तेरे पीर का नाजायज बच्चा है। हाथ कांपने लगे बादशाह के, कहने लगे या अल्लाह कभी तो कयामत बर्पा कर दे तो मामला ठीक हो जाए, मैं तेरी जुबान खींच दूंगा तेरी गर्द। तूने बात कैसे की? कहने लगी मैंने कहा था ना तेरे अंदर हौसला नहीं, मेरी इज्जत तार तार हो गई और तू पीर बचा रहा है। अल्लाहु अकबर। सुल्तान शमसुद्दीन तमश आसमान की तरफ देख के कहने लगे मौला मुझ मुजरिम को जिसकी बरकत से उठा के तूने मस्जिद में पहुंचाया, आज मुझे तूने किस इम्तिहान में डाल दिया, ये क्या रंग तूने जिंदगी का बनाया है। कहने लगी बुला उसे, उड़ा अब गर्दन। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जरा उस जगह पे अपने आप को खड़ा करके देख मेरे दोस्त, जो शख्स दिल्ली के बाजार में निकले तो दुकानें बंद हो जाएं, औरतें घरों में घुस जाएं, जिसके नाम पर चर्चे हों दीन के, वो शख्स लाठी टिकाता टिकाता। उर्स मनाने आसान है, ढोल ढमक्के करके घरों को जाना आसान है, पर जरा इनकी राहों का मुसाफिर तो बन, इन्होंने अंदाज क्या अख्तियार किया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, खबर फैल गई, इतनी शोहरत पाकिजगी की नहीं हुई थी जितनी इस जुर्म की हुई। लाठी टिकाते टिकाते जब पहुंचे ना बादशाह के दरबार में, बादशाह उठने लगा, काजी उठने लगा, लोग उठने लगे, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आए। माने लगे बेटो बैठ जाओ, आज मैं पीर बन के नहीं आया, मैं मुजरम बन के आया। और कहा मेरे मालिक का इंसाफ भी देखो, दिल्ली का पीर आज दिल्ली की अदालत में अपने ना करदा जुर्म की सफाई देने आया है। बड़ी लाठी पे टेक लगाई, दिल्ली की गलियां भी रोती हैं कि ये क्या रंग, अल्लाह ये तेरा क्या रंग है, ये ते मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, ओ जिंज रखे उंज रहना है, वाजब नहीं जे विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना ए तन मेरा कंघी होवे, मैं जुल्फ सजन दी वावा, पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए, मैं यार दी कदमी आवा, मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई यूजर ना पेश ले आवा, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राज, ते मैं सुख नू चुल्ले डावा, पर यार फरीदा कदी मिल पाए सोना, यार फरीदा जे कदी जे कदी मिल पाए सोना, बस ओनू रो रो हाल सुनावा। टेक लगाई है, कहने लगी बीबी बोल दे गवाही। कहने लगी बीबी रब जानता है, रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है। कहने लगी अच्छा, वो लोगों को भेज के तजद के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना, रब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी, मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं, यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते। दिल्ली का माहौल ही बदल गया सारा, सारा हरांग ही बदल गया। औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा साहब पूछते हैं गवाह है कोई तेरे पास, तो चार कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करें, आमीन तो कहें। वो तो खड़े होके कहने लगे हाँ, हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी, मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है, वाजब नहीं विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता मैं सवेरे। सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर
और मैं मोलते अच्छा हुजूर जैसे मर्जी बाहर निकले। खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं। वो माने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौंकों ने मुझे बड़ी सलामियां दी है, जरा मैं देखूं तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रसवाई पे क्या कहते। मुझे जरा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुंह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो मुंह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूँ कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए। तेरी मजबूरियाँ दुरुस्त मगर तेरा वादा था साथ देने का, वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमजोरी का मुझे भी पता है, जोफ का मुझे भी पता है, पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियाँ मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियाँ। मुझे भी तो पता है ना मनम गुलाम ने अली हैदरी यम कादरी यम तमज अहमद रजा खामी जनम। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना था जपा, तेरा ही जपा है सारी जिंदगी। ये लफ्ज कहे, कहते मैं रोया। आंख लगी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतजार करना मैं पहुंच रहा हूं, मेरा इंतजार करना मैं, मेरा इंतजार। क्या कहा मियां साहब ने, कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होन या पक्के, ए पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होन या सच्चे। मैं आया फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे फिर गए अदालत, फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरिमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा, दो चार मिनट ज्यादा ले लूं आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना के हाँ जी हुजूर बताइए गवाह भी खिलाफ है मुकदमा बोले, तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया वहां से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं, यहां से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा ये कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करें, बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी, जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज गूंजी, फरमाया जैसे इन्होंने कहा वैसे किया जाएगा, 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चेम गोइयां होने लगी, फब्तियां कसी जाने लगी। 3रे दिन शाम का वादा था, 4थे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं, यहां तो लोग सफाइयां देते हैं बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड्डी ते हाथ डोर सजन दे, ओ जेंज रखे मैं ओन जी रहना है, जैसे उसकी मर्जी वैसे, जेड़ियां गुड्डियां आप पे उड़ियां हो ना चढ़न ऊंचाइयां, ओही गुड्डियां उच्चियां उड़ियां जेड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। फरमाया ठीक है जैसे वो रखे मैं राजी हूं। अल्लाह अकबर। 3रे दिन की मगरब का वादा था, जब मगरब का सूरज डूब गया ना, बड़े काफले अजमेर से आए पर मोइनुद्दीन ना आया। वादा किया था यार ने आऊंगा दिन ढले। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला ले फरमाया करते थे ना, कव्वा खाने लगा आंखें तो कहने लगे कागा ये तन सारा ही खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, मेरे दो नैन ना खाइयो, मैनू पिया मिलन दी आस। ने कहा सारा खा जा आंखें छोड़ दे। उसने कहा था मैं आऊंगा, इंतजार लंबा हो गया है पर मेरी उम्मीद तो नहीं ना टूटी। मगरब की अजान हुई तो लोग कहने लगे लो जी अब बस हो गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाहु अकबर कह के मगरब की जमात जब मैदान में खड़ी की तो अपनी भी चीख निकल गई, आए नहीं। लेकिन जब नमाज का सलाम फेरा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की 2 रकतें अभी बाकी थी। ख्वाजा साहब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, सलाम फेरा और नमाज के बाद जब उठे ना तो ख्वाजा साहब के सीने के सीना लगा। तो कहा हजरत जी मैं शहजादा था, आपने कहा था खुश्क रोटी खाना तो मैंने खुश्क ही खाई है, आपने कहा था फाके करना तो मैंने किए हैं, आपने कहा वतन वापस नहीं जाना तो मैं नहीं गया,
हुजूर इस इम्तिहान का आपने बताया ही नहीं था, ये मुझे बता जाते अब इस सफेद दाढ़ी से मैं जवाब देता फिर हूं। ख्वाजा कुतुब मोइनुद्दीन साहब ने झटका, पीछे हट, तू ज्यादा इज्जत वाला है कि यूसुफ ज्यादा इज्जत वाला था, तू ज्यादा मकाम वाला है कि आयशा ज्यादा मकाम वाली थी, चुप कर, ये कुछ सूफिया का तरीका है, चुप कर। अर्ज की, हुजूर गलती हो गई, मैं पहले नहीं रोया, तू मिला है तो रोया हो, मैं पहले नहीं तड़पा, मैंने शिकवा नहीं, तू मिला है, अपने ही को मिले तो दुख याद आते हैं ना, फरमा चुप कर, जा सुल्तान से कह दे सवेरे नमाज के बाद अदालत लगा दे। सवेरे जब अदालत लगी ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बाजू पकड़ा ख्वाजा कुतुब साहब का, निकले तो देखा लाइनें लगी हैं, मजमा लगा है, आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया मेरा दिल था, लोग मेरे कुतुब की शान देखने आए, ये कितने बदबख्त हैं, मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए, कितने नालायक हैं, रुसवाई देखने इतने आए हैं, शान देखने आते ही नहीं। अल्लाहु अकबर। जब मैदान लगा, ख्वाजा साहब पहुंचे, औरत को कहने लगी अल्लाह से डर जा, वक्त थोड़ा है, तू मर जाएगी। कहने लगी मुझे दास्ताने ना सुनाए। काजी साहब से कहने लगे काजी साहब आप हकीकत हाल से आगाह हैं, ख्याल करें। कहने लगे ख्वाजा साहब दलीलें ना दें, गवाह लाएं, बात ना करें। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे गवाहों को बुलाओ। गवाह आए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने नजर, तुम हो मेरे कुतुब पर, मेरे कुतुब के जुर्म के गवाह। उनकी जुबानें कांपने लगी, हाथ कांपने लगे, मैं बोलते क्यों नहीं। जब उनकी नजरें झुकी तो बादशाह कहने लगा अगर अब तुमने गवाही ना दी तो तुम्हें मैं मुजरम बना के 80-80 कोड़े मारूंगा। कहने लगा जी देखा है, जी देखा है हमने तहज्जुद के वक्त। जब सब गवाहियां पूरी हो गई, औरत भी तड़प रही है, रो रही है, 2 महीने का बच्चा गोद में है, अब बोलिए बोलिए। उलमाए जवाहर भी खड़े हैं, हसद करने वाले जलने वाले भी खड़े हैं, हिंदू तो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं। अजमेर का बूढ़ा, और यह आखिरी फेरा था ख्वाजा मोइनुद्दीन का दिल्ली में, उसके बाद जाहिरन दोबारा नहीं आए। उठे लाठी टिकाते टिकाते और मैदान के अंदर जाके ना, बड़े मैदान में मजमा था, सर सजदे में रखा, कह लेंगे या अल्लाह मैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं आया, तेरे रसूल का भेजा आया। फिर उठे और कहने लगे मौला तेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे, अगर यूसुफ के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरे कुतुब के लिए भी बोलना चाहिए, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बोल सकता है तो मेरा कुतुबुद्दीन भी सच्चा है इसके लिए। फिर उठे उस बीबी की तरफ बढ़े, लोग कहने लगे न जाने अब क्या होगा। जब अजमेर के बादशाह ने, अताए रसूल ने, हिंदुल वली ने, इमामुल औलिया ने कपड़ा खींचा और कहने लगे वो बच्चे तू तो जानता है ना तेरा बाप कौन है, 2 महीने का बच्चा। जब नाना बोला तो बीबी कहने लगी अब क्या कर रहे हो, बच्चे भी कभी बोले हैं? मैं बीबी चुप कर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं कमजोर रब का मानने वाला नहीं, कुदरतों वाले रब का मानने वाला हूं, वो चाहे तो बच्चे भी बोलते हैं। कुरान कहता है हजरत ईसा बोले थे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब, मरियम भी तो वली अल्लाह थी, वो नबी तो नहीं थी, अगर वली अल्लाह बनी इसराइल का हो बच्चा बोल सकता है, तो अगर वली अल्लाह मोहम्मद अरबी की उम्मत का हो तो बच्चा फिर भी बोल सकता है। यूं कपड़ा हटाया, बच्चा बोल, 2 महीने का बच्चा मां की गोद में उठ के बैठ गया और बच्चा बोल के कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह। जब ये लफ्ज अदा किए तो नारे लगने लगे, लोग रोने लगे, बीबी बेहोश होके गिरी, फरमाने लगे मुझे सलाम ना कर, मेरे कुतुब की बात बता। कहने लगा कसम है अल्लाह की इज्जत की, वो सामने मजमे जो सरदार बैठा है वो मेरा बाप है, कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, मेरा बाप तो वो बैठा है, ये काजी भी साजिश में शरीक है, कई मुसलमान खरीदे गए, ये गवाह खरीदे गए। जब गवाही हो गई, बच्चा ये लफ्ज कह के अल्लाह अकबर कहता हुआ फिर चुप कर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का बाजू पकड़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने, मजमे से बाहर निकले, लोग कहने लगे हुजूर आप कुछ बोलते नहीं, फरमाने लगे जिसने बोलना था वो बोल चुका है, जिसने बोलना था वो, जो जादू वो जो सर चढ़ के बोले। फरमाया तुमने अफवाह पे नजर रखी और मैंने अल्लाह की कुदरत पे नजर रखी, तुमने इसके किरदार को झंझोड़ा और मैंने इसके किरदार को तामीर किया। हजरत सुल्तान शमसुद्दीन तमश भी पीछे दौड़े, कहा हुजूर कहां ले जा रहे हो?
और मैं कुतुब मेरा है, मैं अजमेर साथ लेके जा रहा हूं। अब मैंने अपना बच्चा तुम्हारे सुपुर्द, अब मेरे पास रहेगा, तुमने सताया मेरी औलाद को, अब ये मेरे पास रहेगा, मैंने नहीं तुम्हें देना। लोग राहें बिछा के, नजरें बिछा के बैठ गए, पाँव में गिर गए, कहने लगे हुजूर हमारे लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, हमारे लिए नहीं, तामीर शरीयत के लिए, अदाए सुन्नत के लिए छोड़ जाइए। ख्वाजा साहब कहने लगे कुतुबुद्दीन जा, तुझे छोड़ के जाता हूँ, अब कयामत तक कोई तेरी रुसवाई की जरूरत नहीं कर सकेगा। अजीज याद रख, ना अफवाहों पर लगा करें, ना किसी बरादरी, किसी कौम, किसी शख्स के बारे में ऐसी बातें। यहाँ तो लोग घड़ घड़ के चीजें लाते, घड़ घड़ के चीजें लाते, और जिनकी हैं उनके पास बड़े दलायल हैं अपनी सफाई पेश करने के लिए। जो गुराबा मसाकीन होते हैं वो बेचारे अपनी इज्जत पर लगा हुआ दाग धो भी नहीं पाते। हम बड़ा 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 लोगों पर धब्बा लगा के साबित कर गुजरते हैं और फिर सदियां गुजर जाती।